आप में से जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा कि तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने आपको जंको फ्रूटा की कहानी सुनाई थी। लिटरली वो कहानी ऐसी थी कि ना सिर्फ आपको बल्कि हाँ हमारे प्यारे YouTube नाम के उस प्लेटफॉर्म को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी और इतनी ज़्यादा लगी कि यहाँ उसने उसको डिलीट ही कर दिया। वो वीडियो आज मेरे चैनल पर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये भी आज नहीं तो कल डिलीट हो जाएगी। YouTube इसे भी नहीं टिकने देगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लिटरली जो जंको फ्रूटा के साथ हुआ था उससे कुछ ना कुछ 1-2% एक्स्ट्रा ही यहाँ पर इस लड़की के साथ भी हुआ। कोरियन वर्जन ऑफ जंको फ्रूटा बहुत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये आपको लग सकता है, तो अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो जंको फ्रूटा वाली वीडियो जिन्होंने देखी थी उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पास ये शिकायत लेकर आ रहे थे कि वो केस उनके माइंड से उतर ही नहीं रहा है और सजेशन मांग रहे थे कि वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। अब देखिए, उस वीडियो में मैंने वार्निंग नहीं दी थी और इसमें आपको मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, ये आपके माइंड पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर फिर भी आप हैंडल कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 15 अप्रैल 2014 के दिन और दोपहर के 2 बज चुके थे। जगह थी कोरिया का एक शहर और यही शहर में रहने वाली एक योन नाम की लड़की जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी, वो दोपहर को 2 बजे जस्ट अभी स्कूल से आई ही थी और आते ही उसने अपना बैग रखा। बैग रखते ही उसने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल में कुछ उसने मैसेज पढ़े और मैसेजेस को पढ़ने के बाद वो सीधा ही अपने घर से गायब हो गई। वो अपने घर से बाहर निकलकर सीधा एक 24 साल के किम नाम के लड़के के पास गई थी और ये किम यून से आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही बातें करता रहा था। किम ने बार बार यहाँ पर यून को प्रपोज किया था। अब क्योंकि यहाँ यून के लिए सब कुछ बहुत नया सा था तो यहाँ उसने बहुत जल्दी ही किम की बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी थी और यहाँ अब किम ने यून को मिलने के लिए बुलाया और इसीलिए यहाँ किम से मिलने के लिए ही वो अपने घर से बाहर निकली थी। लेकिन यहाँ उसको कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर वो किसके पास जा रही है। खैर, यहाँ जैसे ही वो किम के पास आई, किम ने उसको 3 और लड़कियों से मिलवाया जिनका नाम यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से होते हैं, आप प्लीज उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो उन तीनों लड़कियों का नाम यहाँ पर येन, होंग और जेंग था। इसके अलावा यहाँ पर एक और चौथी लड़की भी थी जिसका नाम यहाँ पर येंग ही था, वो भी इन सभी के बीच में बैठी हुई थी और ये चारों पांचों लोग अब बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। असल में यहाँ इन्होंने एक रूम बुक किया हुआ था और इसी रूम के अंदर बैठकर अब ये हंसी मजाक कर रहे थे, पार्टी वगैरह कर रहे थे। बीच में यहाँ किम बैठा हुआ था और तभी यहाँ पर यून ने वो दरवाजा खटखटाया। किम ने तुरंत ही जाकर दरवाजा खोला और अब यून उस कमरे के अंदर एंटर कर चुकी थी। लेकिन जैसे ये पांचों लड़कियां और ये किम यहाँ बैठे हुए थे तभी दरवाजा फिर से खटका और अब की बार 3 लड़के यहाँ इस दरवाजे के पिछली तरफ खड़े हुए थे। किम ने तुरंत जाकर वो दरवाजा खोला और उसने सीधा ही हाय हेलो किया। ये कोई और नहीं बल्कि किम के ही यार दोस्त थे, उनसे मिलते ही यहाँ किम ने सभी से इंट्रो करवा दिया कि अंदर आकर देखो 5 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये जो 3 नए लड़के यहाँ पर आए थे इनमें से 2 का नाम तो ली था जिनकी उम्र अब 24-25 साल के आसपास की हो चुकी थी, जिसमें से 1 का नाम हैंगी था जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 23 साल की थी। अब ये 4 लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं, 5 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब इनकी स्टार्ट होनी थी पार्टी और इसी पार्टी को करते हुए यहाँ कब इन 4 लड़कों ने मिलकर इन 5 लड़कियों को नशा करवा दिया किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या खिलाया पिलाया गया था ये आज तक कभी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब ये 5 की 5 लड़कियां इन 4 लड़कों के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन इन चारों ने ही चुन लिया था सिर्फ और सिर्फ यून को। यून को उन्होंने अपने साथ उठाया और बुसैन के ही एक होटल के अंदर ले जाकर इन चारों ने सबसे पहले तो नशे की हालत में ही बेचारी यून के साथ बहुत बेदर्दी के साथ बलात्कार किया। और जब फाइनली यून अब अपने होश में थी, वो देख रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वो दर्द में थी लेकिन वो फिर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी इन चारों के आगे। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती और कुछ समझ पाती, यहां चारों ने उसे बैठा कर समझा दिया कि देखो तुम अब हमारे कंट्रोल में आ चुकी हो, हमारे पास तुम्हारा सब कुछ है, हमने सब कुछ फिल्मा भी लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अब ये चीज सुनते ही यहां यून का दिमाग घूम गया कि आखिर वो कहां फंस गई है और इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती सबसे, तभी यहां उस होटल के कमरे का वो दरवाजा खटका। दरवाजे की तरफ यहां पर बहुत सारे नए नए लोग आते जा रहे थे और ये नए लोग अब किसी और के लिए नहीं बल्कि यून से ही मिलने के लिए आ रहे थे। ये कोई यून को यहां पर बचाने के लिए नहीं आए थे बल्कि यहां पर वो यून के साथ पेड सेक्स के लिए आए थे। जी हाँ, आपको शायद विश्वास नहीं होगा बट इन चारों ने अब यहाँ यून को प्रोस्टिट्यूशन में उतार दिया था और जो भी यहाँ पर उनका नया कस्टमर आता वो कस्टमर से पैसे लेते, वो कस्टमर यहाँ यून के साथ संबंध बनाता और वहां से चला जाता। बेचारी यून को तो पता भी नहीं था कि एक लोग कौन कौन आए जा रहे हैं। फाइनली अब यहाँ रात हो चुकी थी, अब तक यहाँ यून के घर पर भी यून की टेंशन होने लगी उसके माता पिता को और उसके पिता रात को जाकर सीधा वहां पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर आए कि उनकी बेटी यहाँ जब स्कूल से वापिस आई थी और तब से ही गायब है, अभी
10 दिनों पहले ही उसने नया एडमिशन लिया था, नई हाई स्कूल के अंदर वो गई थी और अभी यहाँ उसको एडजस्ट होने में टाइम लग ही रहा था कि वो एकदम से गायब हो गई है। पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है स्कूल की कोई टेंशन होगी इसलिए लड़की इधर उधर चली गई है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर अब आगे चलने पर इन पुलिस वालों की भी नपाई होने वाली है और साथ ही ये केस ना सिर्फ कोरिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियां बटोरने वाला था। यहाँ घंटे अब दिनों में बदलते जा रहे थे और दिन अब हफ्तों में, पूरे यहाँ पर 14 दिन बीत चुके थे और 14 दिनों बाद फाइनली यहाँ यून के घर का दरवाजा खटका और यहाँ दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि यून खुद खड़ी थी। सामने से यहाँ उसके पिता ने दरवाजा खोला और सामने यून को देखकर वो हैरानी में आ गए कि अभी तक पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया था, पुलिस वाले इसको ढूंढ नहीं पाए थे तो एकदम से यहाँ यून कैसे प्रकट हो गई। यून अपने पिता को देखते ही बहुत जोर से रोने लग गई, उसको पकड़कर उसने हग कर लिया और यहाँ हग करते ही वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके पिता ने उसे शांत करवाया, साइड में बैठाया और पूछने लगे कि बेटा बताओ आखिर हुआ क्या है। यहाँ यून ने अपना सब कुछ डिटेल में बता दिया कि आखिर वो कैसे कैसे किम नाम के लड़के से ऑनलाइन बातें किया करती थी और उस किम ने उसे कैसे फंसा दिया और एंड में लाकर उसे एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया, और ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूट बनाया बल्कि यहाँ उसके साथ बहुत गंदी तरह से टॉर्चर भी किया गया था। ये बात सारी जानते ही यून के पिता का खून खोल गया। अब वो कुछ और तो नहीं कर सकते थे बल्कि यहाँ उन्होंने कहा यून को कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अभी पुलिस वालों के पास जाएंगे और उनकी शिकायत करेंगे और सीधा तुम उनकी पहचान करना, गवाही देना और उनको सजा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ यून ने अपने पिता को रोक दिया ये कहकर कि नहीं, हम नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इसी बेस के ऊपर छोड़ा है कि अगर वो पुलिस वालों के पास गई तो यहाँ उनके तो दो तीन लड़के पुलिस वाले उठा लेगी, लेकिन जो बाकी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क अब फैला हुआ है और उनमें से बहुत सारे लड़के अब यून को जानते हैं तो वो आज नहीं तो कल वो यून को वापस उठा कर ले जाएंगे। जब ये बात उसके पिता ने सुनी तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ गए अपनी बेटी को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर। खैर अगले दिन यहाँ जब संडे था और ये यून का परिवार डिवोटेड क्रिश्चियन था तो ये सारे चर्च में गए, लेकिन यहाँ चर्च में एक दिक्कत थी, वहाँ एज वाइज लोगों को बैठाया जा रहा था, उनके अलग अलग सेक्शन बने हुए थे कि इस एज ग्रुप के लोग यहाँ बैठेंगे, इस एज ग्रुप के लोग उस सेक्शन में बैठेंगे। तो यून के पिता अलग सेक्शन में चले गए, यून अलग सेक्शन में चली गई क्योंकि यहाँ उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल सेफ है, यहाँ तो कोई कुछ क्या ही कर सकता है, लेकिन यहाँ वो बहुत ज्यादा गलत थे। जैसे यहाँ शाम के टाइम उस चर्च की सारी पूजा अर्चना खत्म हुई, यून के पिता बाहर आए, उन्होंने आसपास अपनी बेटी को देखना स्टार्ट किया कि अब तो प्रेयर खत्म हो गई है, अब तक तो यून को वापस बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन यून अभी तक उस चर्च से बाहर निकली ही नहीं। उसके पिता वापस चर्च में गए, आसपास देखने लगे बच्चों वाले सेक्शन में कि आखिर यून कहाँ बैठी है, लेकिन यून उनको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने जाकर अपने फादर से पूछा कि ऐसे से मेरी बेटी यहाँ पर बैठी थी, फादर ने भी एडमिट किया कि हाँ वो बैठी थी, लेकिन अभी यहाँ 10-15 मिनट ही पहले कोई उसे लेने आया था और वो वहाँ से चली गई है। ये बात सुनते ही यहाँ यून के पिता का माथा ठनक गया और उनको जिस चीज़ का डर था वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो सीधा ही चर्च से निकलकर पुलिस स्टेशन में गए और जाकर उनको सब कुछ बता डाला कि आखिर उनकी बेटी वापस घर आ गई थी, लेकिन मैं मजबूर था पुलिस में रिपोर्ट ना करने के लिए क्योंकि यहाँ मेरी बेटी नहीं मना किया था, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसके बातों से मैं खुद बहुत डर चुका था, लेकिन अब फिर से जो मुझे डर था वही हुआ, वो जो लड़के थे वो वापस मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं और हमें नहीं पता कि अब की बार वो कहाँ पर हैं। और अब की बार जब उन्होंने यून को उठाया था लिटरली यहीं से बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन बनने वाली थी। आने वाले 20 दिन अभी यून नाम की लड़की के लिए नर्क, तो मैं कहूँ बहुत छोटा सा शब्द है, वो नर्क से भी बदतर होने वाले थे। 28-29 मार्च को यहाँ यून को उठाया गया था और उठाते ही वापस उसे एक होटल के रूम में लाकर बंद कर दिया गया और उन्हीं लड़कों ने अब फिर से कस्टमर्स को बुलाना शुरू कर दिया और अब की बार तो एक ही बार में एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं बल्कि 8-8 कस्टमर्स एक साथ आ रहे थे और बेचारी 14 साल की लड़की के साथ वो संबंध बना रहे थे उसकी मर्जी के खिलाफ। यहाँ यून को पहले ही नशे की दवाइयाँ दे दी गई थी, उसको कोई होश नहीं था कि आखिर वो कहाँ पड़ी है, उसके साथ क्या हो रहा है। वो जो लोग बस आते जा रहे थे उसके साथ संबंध बनाते जा रहे थे, बेचारी यून के शरीर के ऊपर ही यहाँ सीमेंट्स के ढेर लगे हुए थे, कोई यहाँ क्या कुछ करके जा रहा है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। बस यहाँ वो जो लड़के जो यून को उठा कर लेकर आए थे वो बस अब यून से पैसा निकलवा रहे थे, जितना हो सकता था वो यून से बस कमाना चाहते थे। लेकिन अब दिन आ चुका था 4 अप्रैल का, अब तक यहां पर कोई भी मार पिटाई बेचारी यून के साथ नहीं हुई थी, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे इन लड़कों ने यून को पकड़ा और उसको लात घूसों से मारना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर एक कस्टमर का मोबाइल फोन बेड के ऊपर ही रह गया था और वो नशे के हालत में उसको वहीं छोड़कर चला गया और वो मोबाइल फोन बेचारी यून के हाथ लग गया और उसको यहां कोई नंबर वगैरह तो दिख नहीं रहा था, ना ही उसे कोई नंबर याद था डायल करने के लिए। उसको यहां पर सामने दिखी फेसबुक एप्लीकेशन, जैसे ही फेसबुक एप्लीकेशन दिखी उसने यहां पर सीधा ही अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉग इन कर डाला। आपको भी पता है कि हम किसी
और डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो हमारे दूसरे डिवाइस में जिसके अंदर हमारा अकाउंट चल रहा है पहले से ही, वहां नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन किया गया है। अब क्योंकि यहां यून का मोबाइल तो वो चारों लड़के पहले ही ले चुके थे तो उनके पास डिवाइस में नोटिफिकेशन आ गया कि यहां यून का फेसबुक अकाउंट कहीं से लॉगिन किया गया है। जब उन्होंने वो लोकेशन दिखी कि कहां से लॉगिन किया गया है तो वो उसी होटल की दिखा रही थी जहां यून रुकी हुई थी, जहां यून को उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। अब ये चीज देखते ही वो बहुत ज्यादा हैरान किया कि यून ने फेसबुक का अकाउंट कैसे लॉगिन किया। वो सीधा यून के पास गए और उठाते ही उसे पकड़कर पीटने लगे कि आखिर उसने लॉगिन कैसे किया, क्योंकि उनको डर था कि ये लोकेशन अभी तक तो उनके पास ही शेयर हुई है, अगर यहाँ पर पुलिस इसकी जांच करेगी तो वो जल्दी ही इसकी फेसबुक की हिस्ट्री के हिसाब से इस लोकेशन पर भी आएंगे और ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। और इसी के गुस्से के बदले अभी तक तो सिर्फ मारपीट ही थी और अब शुरू होता है यहाँ बहुत ही गंदा टॉर्चर का खेल। 4 अप्रैल की रात को ही यहाँ 4 लड़कों में से एक ने, वहां का कोई सोजू सूप होता है वो शायद यहाँ पीने में बहुत ज्यादा गाढ़ा भी माना जाता है और ये भी मानते हैं वहां के लोग कि कोई भी उसे एक बार में तो नहीं पी सकता, बहुत सिप सिप करके धीरे धीरे ही पीना पड़ता है। और यहां 4 अप्रैल की रात को चारों लड़कों में से एक ने उस सोजू सूप के 2 बड़े-बड़े बाउल्स बना डाले वहीं होटल के ही उस किचन में, और उन दोनों बाउल्स को लाकर यहां बेचारी यून के सामने रख दिया बेड के ऊपर और उसे कहा गया कि उसे ये गर्मा गर्म उबलता हुआ सूप एक ही बार में एक घुट के अंदर पीना है, एक बाउल का सूप एक घुट के अंदर, दूसरे बाउल का सूप दूसरे घुट के अंदर, जबकि ये सूप बिल्कुल उबलता हुआ था, उसके अंदर उखलियां भी पड़ रही थी। अब ऑब्वियसली ये काम तो कोई नहीं कर सकता और एक 14 साल की बच्ची तो कभी भी नहीं, लेकिन यहां पर यून को उन चारों लड़कों द्वारा कह दिया गया कि अगर तुमने इस सूप की एक भी बूंद नीचे बेड के ऊपर गिराई या फिर तुमने इसके अंदर छोड़ा तो हम तुम्हें मार मार कर तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारे शरीर से उल्टी करवा देंगे और जो उल्टी तुम्हारे मुंह से निकलेगी उसको इकट्ठा करके उसी बाउल में डाल के देंगे और वो उल्टी ही वापस तुम्हें पीनी पड़ेगी। बेचारी यहां मजबूरन यून को वो गर्मा गर्म उबलता हुआ सूप किस तरह से उसे पीना पड़ा होगा आप खुद यहां पर अंदाजा लगा लीजिए डर के मारे। जब ये काम यून कर रही थी तब इन चारों लड़कों ने, वो 4 लड़कियां जो पहले से ही इनके पास थी, वो अलग अलग जगहों पर उनको रखा हुआ था, उनका नंबर बाद में आने वाला था, पहले यहाँ यून के साथ ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ इन चारों ने उन 4 लड़कियों को भी इसी होटल में बुला लिया और यून के कमरे में लाकर यून की हालत दिखाई कि वो यून के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। ये चीज देखते ही वो चारों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा गई कि आखिर ये सब क्या है, अभी तक तो हम सब मिलकर पार्टीज कर रहे थे और अब ये यून के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन यहां इन चारों लड़कियों को ना सिर्फ उनके मन में डर बैठाने के लिए बुलाया गया था बल्कि यहां अब इन चारों लड़कियों को एक एक करके बेचारी पहले से ही अधमरी हालत में जो यून अब इस बिस्तर पर बैठी हुई थी उसके साथ लड़ना भी था। जी हाँ, यून को कह दिया गया था कि तुमको एक एक करके इन चारों लड़कियों से लड़ना है और तुमको चारों से जीतना भी है, अगर तुम जीत जाती हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, अगर तुम हार गई एक से भी तो हम तुमको यहीं वापस रख लेंगे और जो हाल तुम्हारा अभी से चलता आ रहा है इसको हम और ज्यादा बदतर करेंगे। अपनी आजादी की चाह में यून अब उनसे लड़ने के लिए तैयार थी, वो कुछ भी करना चाहती थी बस यहां से निकलने के लिए। लेकिन यहां उन चारों लड़कियों को भी समझा दिया गया था कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी फेवर करने की कोशिश करी तो वो पहचान जाएंगे कि यहां वो मदद कर रही है, जान पूछकर यून को जितवा रही है, अगर ऐसा होता हुआ देखा तो यहां उन चारों लड़कियों का नंबर लग जाएगा, यून को छोड़ दिया जाएगा। अब चारों लड़कियां अपनी जीत के चाह में थी, यहां यून अपनी जीत की चाह में थी, लेकिन यून को ऐसे ही लड़ाई में नहीं उतारा गया। सबसे पहले यहां उसे वो जो टेबल फैन था जो साइड में ही रखा हुआ था उस होटल रूम के अंदर, उस टेबल फैन को यहां चारों लड़कों ने इलेक्ट्रिक स्विच से निकाला और साइड में रखा, उसका तार जो था वो काट कर यहां यून के हाथों को पीछे की तरफ करके और उसके पैरों को भी पीछे से ऊपर की तरफ उठा लिया गया। सोचकर देखिए आप क्या पोजीशन बन चुकी होगी, उसके हाथ कुछ इस तरह से पीछे की तरफ थे और पैर भी यहां घूमकर ऊपर की तरफ आ चुके थे और इन चारों को यानी कि 2 हाथ दोनों पैरों को मिलाकर उसी तार के साथ बांध दिया गया और तब कहा गया कि जा अब इन चारों लड़कियों के साथ एक एक करके लड़। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे एक 14 साल की बच्ची जो पहले ही अधमरी हालत में है वो इस पोजीशन में तो क्या ही लड़ पाएगी। इतना ही नहीं, इससे पहले कि यहाँ लड़ाई शुरू होती इन चारों लड़कों ने मिलकर उस पंखे को उठाया और पंखे को यहाँ जो पेट के साइड में जो हमारी जगह होती है इसके ऊपर मारना शुरू कर दिया यून को, ताकि वो किसी भी हालत में जीत ना पाए इन चारों में से किसी एक भी लड़की से। यून ने पहले ही हार मान ली क्योंकि उसका शरीर पहले से ही जल रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी उबलता हुआ सूप पिया था। अब उस जलन की वजह से वो बस उन चारों लड़कों को बोल रही थी कि ठीक है मुझे नहीं जाना, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो क्योंकि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप सोच कर देखिए पानी के नाम पर यहाँ उन चारों लड़कों ने पानी दिया, यून को पानी दिया, चारों में से एक लड़का जिसने वो सूप बनाया था वही वापस किचन में गया, उसने पानी के बाउल को उबाला और वो बाउल सीधा लाकर यहाँ यून के शरीर के ऊपर उड़ेल दिया और कहा कि ले पी ले।
बेचारी अब यहाँ क्या ही कर सकती थी। उसका पूरा शरीर जो पहले अंदर से जल रहा था वो बाहर से भी जलने लगा था, और उबलता हुआ पानी अगर किसी के शरीर पर गिरे तो ऑब्वियसली ऊपर की स्किन तो जल ही जाती है और वो जल जल कर नीचे उतरने भी लग जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब यून के साथ भी हो रहा था, उसकी स्किन उतर उतर कर नीचे गिरे जा रही थी। और इतने भयंकर दर्द में भी जब यहाँ यून उन चारों लड़कों को कहती कि मुझे घर जाना है, तो यहाँ वो यून को वापस बेदर्दी से पीटना शुरू कर देते। यहाँ यून को उन्होंने काफी बार घर जाने के मौके भी दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें घर जाने देंगे अगर तुम इस हालत के अंदर 100 बार उठक बैठक कर लोगी। अब आप खुद सोच कर देखिए, जो इम्पॉसिबल टास्क था यहाँ पर वो ऐसा दिया जा रहा था यून को। इसके अलावा भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें पहाड़ यानी कि टेबल वगैरह सुना दोगी तो भी हम तुम्हें घर जाने देंगे। लेकिन यहाँ वो टेबल पता नहीं क्या अजीब अजीब सी पूछ रहे थे, और वो भी तब जब यहाँ यून को वो नशे की गोलियाँ पहले ही दे देते। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, उसका सिर यहाँ चारों तरफ चकरा रहा होगा ऑब्वियसली उस टाइम पर। और इस मौके पर अगर वो उससे टेबल वगैरह पूछेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ जैसे ही वो रिप्लाई गलत करती उसको वो फिर से बेदर्दी से पीटना शुरू कर देते। 9 अप्रैल का दिन आ चुका था, 5 दिन और बीत चुके थे बेचारी को दर्द या फिर मैं कहूँ भयंकर दर्द झेलते हुए। और फाइनली 9 अप्रैल के दिन सुबह सुबह 10 बजे के आसपास इन सभी लड़के लड़कियों ने मिलकर यून के हाथ पैरों को बांधा और उसको उसी स्टेट में एक बॉक्स के अंदर बंद करके उस होटल से बाहर लेकर आए और उस बॉक्स को अपनी गाड़ी में लाकर रख दिया। सोच कर देखिए, अभी उस बॉक्स के अंदर वो यून बेहोशी की हालत में बंद थी, और उस डब्बे को यहाँ गाड़ी में लाते ही खोल दिया। वो डब्बा सिर्फ इसलिए लेकर आए थे ताकि यहाँ होटल में किसी को पता ना लगे कि आखिर इस डब्बे के अंदर है क्या। खैर, यहाँ वो डब्बे को खोलते ही यून को बाहर निकाला गया, जिसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे, और उसको सीट के ऊपर नहीं बिठाया गया। फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम लेग रूम कहते हैं, जहाँ हम पैर रखते हैं, वहाँ उसको रोल करके नीचे ठूस दिया गया, और उसके ऊपर यहाँ 3 लड़कियां और 2 लड़के पीछे वाली सीट के ऊपर और 2 लड़के यहां आगे वाली सीट के ऊपर बैठ चुके थे। और अब ये यहां पास ही के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जाने वाले थे, और वहां उनका कोई ओमाक नाम का गेम होता है, और उस गेम को वो अब खेलना चाह रहे थे। उनका प्लान था कि सभी मिलकर आपस में वो ओमाक नाम का गेम खेलेंगे, और जो भी यहां पर हारेगा वो सीधा जाकर यून को पीटेगा। यून का यहां कोई लेना देना नहीं था उस गेम से, वो तो यहां पर सिर्फ उनका मोहरा बन रही थी, सिर्फ उनकी पंचिंग मशीन बन चुकी थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो गेम कोई 1-2 घंटे नहीं चलने वाला था, वो गेम उस पूरा दिन ही चलता रहा। वो ना सिर्फ पूरा दिन चला बल्कि पूरी रात भी चलता रहा। अब जो भी बंदा उस गेम में बारी बार वो हारता वो वापस आता गाड़ी में यहाँ यून को पीटते हुए कि क्या बात करेंगे आप। बोतलों से पीटा गया, राड़ों से पीटा गया, उसको चाकुओं से पीटा गया, हर जगह से उसको गोदा गया। बस उन सबको उस चीज़ की वीडियोस बनानी थी ताकि वो प्रूफ रह जाए कि हाँ हम गेम हारे थे तो हम जाकर यून को पीट के आए हैं, और वो वीडियो जाकर अंदर वो जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे उनको जाकर दिखानी थी कि हाँ मैं मेरा टास्क पूरा करके आया हूँ / आई हूँ। लेकिन 10 अप्रैल का दिन आ चुका था जब सुबह सुबह यहाँ फाइनली अंतिम बार जो बंदा हारा था उसने जाकर यून को पीटा। और जब अगली बार बंदा जो हारा उसने जाकर जब यून को उठाने की कोशिश करी तो यहाँ यून हिलडुल नहीं रही थी, उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। सोच कर देखे बेचारी ने उन हाथ पैर बंधे हुए स्थिति में ही 2 सीट्स के बीच में फंसे फंसे ही उसी गाड़ी के अंदर कार्डियक अरेस्ट की वजह से दम तोड़ दिया। किसी को पता ही नहीं कि उसने अंतिम सांस कब ली, क्या तब ली जब उसको पहले वाला बंदा पीट रहा था या फिर जब दूसरे वाला बंदा पीटने आया उसके बीच में ली, अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन दिल दहला देने वाली बात बस ये थी कि बेचारी 14 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि यहाँ यून की मौत हो चुकी थी तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि इन बवासीर जैसे दिमाग वाले लोगों ने जो प्लान बना रखा था वो यून के जिंदा रहने तक का ही बना रखा था कि जब तक यून जिंदा है तब तक उसके साथ जो मर्जी कर लें। लेकिन उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि व्यक्ति की सीमा होती है, अगर उस सीमा को वो टाप कर जाएंगे तो ऑब्वियसली व्यक्ति मरेगा ही। अब ऑब्वियसली यहां पर यून मर चुकी थी, तो इन बवासीर जैसे लोगों ने कोई प्लान नहीं था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या करना है। इन्होंने सबसे पहले एक सुनसान से चौराहे पर अपनी गाड़ी को रोका और सीधा ही यहाँ यून के हाथ पैरों को खोलकर यून के शरीर को बाहर निकाला। अपनी गाड़ी में से ही यहाँ उनको जो फ्यूल था थोड़ा सा पाइप निकालकर एक बोतल के अंदर वो फ्यूल निकाला, और वो फ्यूल सिर्फ और सिर्फ यून के चेहरे के ऊपर डाला गया। यून के चेहरे के ऊपर डालकर यहाँ उसको आग लगा दी गई। वो यहाँ ध्यान रख रहे थे इस बात का कि पूरी की पूरी बॉडी ना जले, क्योंकि यहाँ इन सभी दरिंदों को ये तो पता था कि अगर यहाँ पर बॉडी जल गई तो यहाँ उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है और इसको डीकम्पोज होने में या फिर पूरी तरह से जलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और वो इसको अधजली अवस्था में तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। उनका प्लान था कि वो जस्ट पहले इसका मुंह जला देते हैं ताकि इसकी पहचान किसी भी तरीके से ना हो पाए। इन्होंने आग लगाकर यून का फेस पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ने के बाद इन्होंने फिर से
यून की लाश को अपने साथ रखा और उसी चौराहे के पास एक कच्चा रास्ता जो कि साइड में जंगलों की तरफ जा रहा था, वो उस जंगलों के अंदर भी नहीं गए। कच्चे रास्ते के ऊपर गाड़ी उतारते ही साइड में उन्होंने गाड़ी लगाई और वहीं पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने वापस यून को वहीं दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर वहीं बंद कर दिया। वहां 2-3 बार उस गड्ढे के ऊपर गाड़ी फिराने के बाद, क्योंकि अब मिट्टी वापस उन्होंने समतल कर दी थी, और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल लिए। लेकिन यहां 3 दिनों बाद यानी कि 14 अप्रैल के दिन इन सभी को याद आया कि नहीं, जहां पर वो दफना कर आए हैं वो एक पब्लिक एरिया है, वहां पर आज नहीं तो कल जरूर स्मेल भी उठ सकती है, या फिर डॉग्स वगैरह जो लावरिस डॉग्स होते हैं वो भी यहाँ पर सूंघते सूंघते आ सकते हैं, या फिर पुलिस वालों को भी पता लग सकता है कि यहाँ एक जमीन में लाश दबी हुई है। वो 3 दिनों तक तो बच गए, लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी वो फंस सकते हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना वो उस लाश को वहां से बाहर निकाल कर कहीं और उसको ठिकाने लगाएं जो कभी किसी को मिले ही नहीं। 14 अप्रैल के दिन वो वापस गाड़ी में सवार होकर उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचे। आसपास देखा उन्होंने कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। दो लड़कों ने यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू किया, यून की लाश को बाहर निकाला, जबकि साइड में खड़े हुए दोनों लड़के इधर उधर देख रहे थे कि कोई आएगा तो वो इशारा कर देंगे और उस टाइम पर वहां से वो खिसक लेंगे। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत से कोई उस टाइम पर नहीं आया और उन्होंने सक्सेसफुली यून की लाश को वापस बाहर निकाल लिया था। उसको निकालने के बाद, गाड़ी में डालने के बाद, वो वापस यहाँ डेंजोंग प्रोविंस के जो पहाड़ है वहां पर, वहां पहाड़ों में ले गए और पहाड़ों में ले जाकर उन्होंने अलग अलग जगह गड्ढा खोदना चाहा। वो देख रहे थे कि कहां पर वो बेस्ट तरीके से यून की लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। फाइनली एक जगह पर अच्छी तरीके से देखने के बाद उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर यहां पहले यून की लाश को दफनाया और अब वो ऊपर से मिट्टी डालने ही वाले थे। लेकिन यहां उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मिट्टी नहीं डालते हैं, पहले इस गड्ढे को कॉन्क्रीट से भरते हैं। जी हाँ, वो कंक्रीट लेने के लिए पास ही के एक शहर में गए, वहां से उन्होंने मसाला लिया, गाड़ी में वापस लोड किया, वापस उसी जगह के ऊपर आए। एक लड़का यहां पहले उस लाश की निगरानी कर रहा था कि अगर कोई आएगा तो वो भी वहां से भाग जाएगा, तब हम किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे। खैर, यहां भी उनकी किस्मत काम कर गई, कोई नहीं आया। गाड़ी अब माल के साथ यहां पर वापस पहुंच चुकी थी। इन्होंने वहीं पर कंक्रीट का मसाला बनाया और उस मसाले को सीधा ही अब यहां यून की लाश के ऊपर डालना शुरू कर दिया और यून की लाश अब 3 फुट मोटे कंक्रीट के नीचे दब चुकी थी। 3 फुट तक कंक्रीट से दबाने के बाद इन्होंने ऊपर से मिट्टी भरनी शुरू कर दी और मिट्टी भरने के बाद अच्छे तरीके से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने के बाद बिल्कुल समतल कर दिया और जो घास उन्होंने साइड में से फाड़ी थी उसको पहले गड्ढा खोदने से पहले उस घास को वापस उसी जगह के ऊपर सेट कर दिया ताकि यहाँ किसी को ऐसा ना लगे कि हाल ही में यहाँ पर कोई गड्ढा वगैरह खोदा गया है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये केस तो यहीं खत्म हो गया, किसी ने यून को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। ढूंढेंगे भी कैसे, यहाँ उसके पिता को यहाँ पता था कि यून को कोई बचा ही नहीं सकता, जब वो लड़के चाहेंगे तभी वो वापस यून को छोड़कर जाएंगे। लेकिन यहाँ उसके पिता को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी तो काफी टाइम पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये तो यहीं से निकल लिए, लेकिन ये सारे के सारे लड़के और लड़कियां यहीं नहीं रुके, इन्होंने 19 अप्रैल के दिन भी यहाँ एक और कांड बैठा दिया। जी हाँ, लेकिन अब की बार कांड का विक्टिम कोई लड़की नहीं बल्कि एक 47 साल का आदमी था जिसका नाम भी यहाँ किम ही था। उसकी यहाँ पर एक लड़की के साथ फोन पर बात करवाई गई जो कि लड़की इसी ग्रुप में थी। उस लड़की यहां इस किम नाम के व्यक्ति से बात करवाई गई और उसको कहा गया कि ठीक है, तुम मेरे साथ संबंध बनाने हैं तो यहां इस होटल में आ जाओ। और उस लड़की ने यहां ये बात बोलकर उस किम को अपनी गाड़ी में यहां इस होटल के अंदर बुला लिया। अब जैसे ही यहां वो होटल में पहुंचा, उसको लेने के लिए यहां नीचे ये चारों लड़के गए और उसको पकड़कर सीधा उस रूम में लेकर गए जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी जिसने यहां पर किम के साथ उस टाइम पर बात करी थी फोन पर। लेकिन यहां इन लड़कों का थोड़ा बिहेवियर किम को ठीक नहीं लगा तो उसने मना कर दिया, लेकिन यहां पर इनके दबाव में आकर मजबूरन यहाँ किम को उस लड़के के साथ संबंध बनाने पड़े और वो भी ऑन कैमरा। जी हाँ, किम को पहले ही बता दिया गया था कि हम तुम्हारे जो संबंध बनाओगे इस लड़के के साथ, हम उसको ऑन कैमरा फिल्माएंगे और इससे तुमको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बेचारे को मजबूरन यहाँ मार पिटाई करके उस लड़की के साथ संबंध बनाए और उसकी फुटेज यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी लड़कों ने। और बाद में जब ये सारा कांड हो गया, उसको यहाँ पीटते पीटते होटल से नीचे लेकर आए और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। और उसको बैठाते ही सबसे पहले इन चारों लड़कों ने सुट्टा चसाया और सुट्टा चसाने के बाद एस्ट्रे के तौर पर उस आदमी को इस्तेमाल किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये चारों मिलकर सिगरेट्स को जगह जगह उस आदमी के शरीर के ऊपर टच कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो एटीएम के जो पासवर्ड्स है वो उन्हें जल्दी से जल्दी बता दे। क्योंकि यहाँ इन्होंने पहले ही उस आदमी का वॉलेट तो लूट लिया था, उसके अंदर एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और अब ये लोग इस एटीएम और क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को जानना चाह रहे थे। लेकिन वो आदमी भी बताने को तैयार नहीं था, वो बार बार यहाँ पर उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा था कि बस उसे
उसे जाने दो, लेकिन यहाँ ये चारों लड़के उसे मारे ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ एक मौका लगा उस व्यक्ति को यहाँ से भागने का इनकी गाड़ी से, और जैसे उसने भागने की कोशिश करी, इन चारों लड़के में से एक जिसका नाम ली था यहाँ पर, जो होटल के बाहर वो पार्किंग में गमले रखे होते हैं फूलों के, उसने उस गमले को उठाया और उस भागते हुए आदमी का पीछा करने लगा। जबकि यहाँ पीछे गाड़ी में मौजूद तीनों लड़कों ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और वो गाड़ी से उस आदमी का पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ ली जो गमला उठाकर उस आदमी के पीछे भाग रहा था, उसने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बुढ़ापे में आ चुका था, 47 साल की उम्र हो चुकी थी। और जाकर उस ली ने सीधा ही किम के सिर के ऊपर वो गमला देकर मारा, और जैसे ही ये गमला उसके सर पर लगा, यहाँ किम के सिर से खून रिसना शुरू हो चुका था। अब क्योंकि यहाँ एक खून निकल रहा था, तो ये सारे बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने उसे उठाकर वापस अपनी गाड़ी में डाला और उसे अंतिम टाइम में भी यहाँ पर बार बार वो पूछ रहे थे कि बता दे अभी भी तुम्हारा ये ATM का पासवर्ड क्या है, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हें ठीक करवा देंगे। लेकिन उस आदमी ने पासवर्ड नहीं बताया। इन चारों ने उसे और ज्यादा मारना पीटना शुरू किया, लेकिन इनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी थोड़ी सी ही मार पिटाई में इस व्यक्ति के प्राण पखेरे उठ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर उतनी जान नहीं है जितना यून ने झेल लिया था। जी हाँ, दूसरी तीसरी बार के टॉर्चर में ही यहाँ किम ने जान दे दी थी। अब इस दूसरे मर्डर के बाद ये चारों बहुत ज़्यादा डर गए। इनको लग रहा था कि अब तो ये पक्का पकड़े जाएंगे, यून वाले में फंसे या ना फंसे, इसमें तो जरूर इनका कांड बैठ जाएगा। और इसी डर से उन्होंने उस लाश को इसी गाड़ी में छोड़ा, खुद की गाड़ी में ही छोड़ा, और वहाँ से निकल लिए। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही, यानी कि 22 अप्रैल के दिन, यहाँ पुलिस द्वारा इन चारों को पकड़ लिया गया, और इन चारों के साथ साथ उन चार लड़कियों को भी पकड़ा जो कि इन चारों द्वारा बंधक बनाकर रखी गई थी। ऑब्वियसली यहाँ पर वो विक्टिम भी थी, यहाँ पर वो असाइलेंट्स भी थी, यहाँ पर वो जुर्म भी कर रही थी, लेकिन मजबूरी में आकर जुर्म कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए। खैर, ये चीजें जब इनसे पूछी गई कि किसने क्या क्या किया, तो वो किम, जिसने सबसे पहले यून को वो फोन पर बात कर करके फंसाया था अपने जाल में, उसने तो हाथ खड़े कर दिए कि बाबूजी देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, मैं खुद यहाँ इनके चक्रों में फंसा हुआ हूँ, इन 3 लड़कों के चक्रों में, इन्होंने मजबूर किया मुझे, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी अच्छी तरीके से बात करनी आती है लड़कियों से, और इन्होंने मुझे मजबूर किया कि किसी लड़की को मैं फंसाऊं और उन लड़कियों को फंसा फंसा कर मैं इनको सौंप दूं, और मुझे थोड़े से पैसों के लालच में वो चीज़ करनी भी पड़ी। मैं यहाँ यून से बात करता रहा, यून मेरे प्यार के चक्रों में पड़ चुकी थी, और वो यून मुझ पर विश्वास करके मेरे पास मिलने आई, और मजबूरन मुझे इनका साथ देना पड़ा। और कमाल की बात तो यहाँ ये थी कि पुलिस वालों ने इस किम की बातों पर विश्वास कर भी लिया। उसकी चार्जशीट में यहाँ कुछ नहीं लिखा कि उसने भी यहाँ यून के मर्डर में अपना पूरा रोल अदा किया था, यहाँ पर इस किम के मर्डर में भी इस दूसरे यानी कि आरोपी किम का पूरा हाथ था। इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया, बस ये कहा गया कि ये तो खुद मजबूर था। खैर, इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया। वो चार लड़कियां जिन्होंने यून के ऊपर बहुत ज्यादा कहर ढाया था, उन्हें 6 से लेकर 9 साल तक की सजा मिली, यानी कि मिनिमम वो 6 साल के बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, मैक्सिमम उन्हें 9 साल के बाद तो जमानत मिल ही जाएगी। जबकि यहाँ पर किम, जो कि इस पूरे कांड का सबसे ज्यादा मुझे तो गुस्सा इसी के ऊपर आ रहा था, क्योंकि इसी ने तो फंसा कर यून को यहाँ अपने पास बुलाया था, यही तो लड़कियों को बुला रहा था। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वहाँ की कोर्ट ने किम को सिर्फ और सिर्फ 6 सालों की सजा दी, और उस सजा को भी आगे घटाकर 3 सालों की कर दिया गया। खैर, बाकी के बचे हुए लोगों को यहाँ लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई, और उनमें से एक को यहाँ पर 35 सालों की सजा दी गई। बाकियों की तो सजा ठीक थी, लेकिन यहाँ पर ये किम की सजा से मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। इसको भी यहाँ पर प्रॉपर, मेरे ख्याल से तो इन सभी को यहाँ चारों लड़कों को तो कम से कम कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। उन चारों लड़कियों को तो चलो हम मान सकते हैं कि मजबूर करके यहाँ पर लाया गया था, लेकिन यहाँ एक किम इनका ही पुराना पापी था, ये पूरी तरीके से यहाँ इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व था। मैं इस केस की ज़रा डिटेल्स में भी नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्राफिक हैं। जितनी मैंने आपको बताई हैं, आप उतनी से ही समझ जाइए कि बेचारी उस यून ने क्या क्या झेला होगा। खैर, अगर आपको इस केस के बारे में कोई और जानकारी है तो आप इसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक सजेस्ट करने हैं मुझे कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपके वहाँ मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है देने में रिप्लाई। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, वहाँ मैं इसी तरीके की स्टोरीज़ की छोटी छोटी रील्स भी डालता हूँ, वो आपको देखकर और थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी ट्रू क्राइम के रिलेटेड। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट धर्मेंद्र को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।